कर ली, लेकिन अब ओवरऑल यूपी किस तरीके से अपने अनुमान दिखा रहा है ये बता देना बहुत जरूरी है। तो सवाल जो है महत्वपूर्ण वो ये है कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि लड़ाई सिंहासन पाने की है, इस विधानसभा तक पहुंचने की, और इसीलिए सवाल ये है कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे। रोहित जी बिल्कुल प्राची, तो आइए इस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। वोट परसेंटेज आप पूछ रहे हैं कि किसको कितना परसेंट मिलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें वोट शेयर के लिहाज से, अब मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, तो बीजेपी 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान ओवरऑल दिखा रहा है आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 35% वोट मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें 14% वोट मिलने का अनुमान है। सपा की हमने आपको बात बताई, कांग्रेस की अगर बात करें 7%, अन्य की बात करें 3%। तो भारतीय जनता पार्टी 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान इस चुनाव में बीजेपी को है उत्तर प्रदेश में, 35% समाजवादी पार्टी का अनुमान है, 14% बसपा, 7% कांग्रेस, और अन्य की बात करें तो 3%। यह वो स्थिति, और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे दीपा का। जी दीपा बिल्कुल रोहित जी, सबसे बड़ी खबर बता दें, फाइनल ओपिनियन पोल में यूपी में भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। भाजपा प्लस को मिल सकते 41% वोट, ये अब तक का पूरा सार आपके सामने ओवरऑल यूपी का है। भाजपा प्लस को बढ़त और साथ ही 41% वोट भाजपा को मिल सकते हैं, सपा प्लस को 35% वोट मिल सकते हैं ये अनुमान बताया जा रहा है, और बसपा की बात कीजिए 14% वोट मिल सकते हैं बसपा को, कांग्रेस की बात कर लीजिए कांग्रेस को 7% वोट यहां पर मिल सकता है, अन्य को भी 3% वोट यहां पर मिल सकता है। देखिए यूपी में किसे कितने वोट मिल रहे हैं ये पूरा डेटा आपके सामने, ये बहुत बड़ी खबर है रोहित जी। बिल्कुल दीपा, तो ये तस्वीर आपने दिखाई, और अब हम आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर रुक करेंगे प्राची का। जी प्राची,